इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे में बेडकर कॉलेज में एनसीसी छात्रों की पिटाई के मामले को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने कॉलेज के सामने आंदोलन किया है। विद्यार्थियों की पिटाई करने वाले को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि अजीत पवार गुट एनसीपी और युवा सेना और मनसे ने आज विरोध प्रदर्शन किया है। इतने बेरहमी से एनसीसी के छात्रों की पिटाई करने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। बेडकर कॉलेज के बाहर एक के बाद एक राजनीतिक पार्टियों के तरफ से आंदोलन हो रहा है और इस आंदोलन को देखते हुए पुलिस का बड़ा बंदोबस्त लगाया गया है। वहीं डीसीपी गणेश गावड़े ने बताया है कि पूरे मामले को संज्ञान में लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और 323 के तहत मामला भी दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर डीसीपी गणेश गावड़े ने क्या जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। सर, इन्हें जानना चाहेंगे, आज जो कॉलेज के प्रिंसिपल से किससे मुलाकात की गई, किस प्रकार से इस मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई किस प्रकार से शुरू रहेगी? कल की घटना से रिलेटेड जो एनसीसी कैडेट्स है, जो यहाँ के स्टाफ है, उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए। वो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने के बाद सरकार की तरफ से पुलिस स्टेशन के ऑफिसर कंप्लेनेंट हुए हैं और उसमें कलम 323 IPC के अनुसार नॉन कॉग्निटेबल ऑफेंस NC रजिस्टर की गई है, उसकी इंक्वायरी शुरू है। सर, जो आरोपी है उसकी कोई पहचान हो पाई है या उसको गिरफ्तार किया गया है, उसके ऊपर कुछ अपडेट? नहीं, गिरफ्तारी वगैरह आरोपी का नाम NC रजिस्टर है। एज 20 साल का लड़का है, उसका नाम डिस्क्लोज करना सही नहीं होगा। सर, आरोपी संदर्भ का पावल उचल जाना चाहिए।